राज्य मंत्री करण देव कंबोज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिस संदर्भ में कश्मीर की लड़कियों को लेकर बयान दिया गया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर विरोधी दलों के लोग जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच लड़कियों को बढ़ाने और पढ़ाने और उन्हें संस्कारी बनाने की रही है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुरुआत करवाई थी। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के लोगों के पास ना तो कोई मुद्दा है ना ही उन्हें जनता पसंद कर रही है, इसलिए विरोधी दलों के लोग बेबुनियाद बातों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के इतिहास में धारा 370 को खत्म कर ऐतिहासिक फैसला कर लोगों के दिलों में विशेष जगह बनाई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई भी मतलब मकसद नहीं था इस प्रकार की बात का, इस बयान को जो है ना तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और फिर जहाँ तक सामाजिक रिश्तों की बात है तो सामाजिक रिश्ता कहीं भी कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। क्या आज विदेश से हमारे देश के अंदर लोग शादी करके बहू नहीं ले करके आते? सोनिया गांधी विदेश से, सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ उसकी शादी हुई थी, क्या भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया? ये तो जो है ना सामाजिक रिश्ते होते हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, तो ये कहीं भी जो है ना कहीं भी फिट हो सकते हैं। तो इसमें कोई इस प्रकार का कोई बयान ही मुख्यमंत्री जी का नहीं है जिसको इतना तूल दिया गया है। ये बेबुनियाद है, बिना मतलब के जो है सामाजिक रिश्तों के ऊपर जो है उंगली उठाने वाली बात है। तो इसमें इस प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक बात जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष किसी न किसी प्रकार से चाहता है कि कहीं हमें कोई इस प्रकार का कोई पॉइंट मिले ताकि हम लोगों में अपनी जाकर के उपस्थिति दर्ज करा सकें। केवल मात्र अपनी उपस्थिति क्या मुँह लेकर के जनता के बीच में जाएंगे तो इस प्रकार के अनाप शनाप मुद्दे बना करके लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। जनता सब जानती है और जनता इनको समय आने पर सब कुछ जो है ना करारा जवाब दे देगी कि कौन ठीक है कौन गलत है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। तो ये सारा जवाब जो है ना जनता भी आने वाले विधानसभा में, अब तक तो दे दिया, आने वाले विधानसभा में जनता इनको खूब जवाब दे देगी। ये तो पुरानी नए बोतल में पुरानी शराब वाली बात है। आप चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में है चाहे वो अलग पार्टी बना लें, बात कुछ नहीं है, बात वही की वही रहनी है। वही और ज़्यादा बिखराव आएगा तो आज भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में देश में कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। जो हमारे आदरणीय नेताओं का एक स्वप्न था कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत करना है, वो स्वप्न जो है ना आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्योंकि हर बार इस प्रकार का मुद्दा धारा 370 जो एक हमारे लिए नासूर बना हुआ था पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर की समस्या, उसको समाधान करने के बाद आज कुछ बचा ही नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो है एक इतनी बड़ी लहर चली हुई है और लोग आज ये मानने लगे हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और करके दिखाया भी है। आज न्यूज के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।